और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नए प्रभारी पायलट सचिन पायलट प्रदेश प्रभारी बनने के बाद छत्तीसगढ़ के अपने पहले दौरे पर पहुंचे और दूसरे दिन कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में प्लान 2024 पर मंथन किया गया और साथ ही पार्टी में अंतर्कलह को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। एक रिपोर्ट। कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में प्लान 2024 सचिन पायलट ने चुनाव समिति की बैठक में मंथन किया है। साथ ही उन्होंने पार्टी में अंतर्कलह को लेकर कहा कि पार्टी में अंतर्कलह नहीं है, नेताओं में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा, वरिष्ठ नेताओं की सहमति से जीतने वालों को टिकट देंगे, लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा से पहले संगठन में नई नियुक्तियां संभव हैं, जरूरत होगी उन पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी। व्यक्तिगत राय हमेशा रहती है कि हमें नौजवानों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन मिनिबिलिटी एक क्राइटेरिया होता है। जो भी व्यक्ति सबसे उपयुक्त होगा आम राय से सर्वसम्मति से उस व्यक्ति को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी। हमारा उद्देश्य चुनाव जीतना है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय हमेशा से ये रही है कि नौजवानों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। देश नौजवान है, छत्तीसगढ़ नौजवान है, मतदाता नौजवान है, तो नौजवानों को और मौके मिलने चाहिए। इसी मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मुझे लगता है सबकी सहमति से हम अच्छे निर्णय लेंगे। हर दल, हर पार्टी, हर परिवार में कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर कुछ छोटा मोटा मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद किसी का नहीं है। मैं प्रदेश के तमाम नेताओं से व्यक्तिगत संपर्क में हूं और सबका एक ही ध्येय है, हम कैसे एकजुटता से लड़कर आगे बढ़े, चुनाव जीतें और कांग्रेस को मजबूत करें। वहीं कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पायलट भले बदल गया हो, गाड़ी वही पुरानी है। जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है, पायलट बदलने से कुछ बदलने वाला नहीं है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक धरमलाल कौशिक ने पायलट के दौरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में कांग्रेस बुरी तरह हार जाती है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सभी 11 की 11 सीटें जीतेगी। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल मोदी जी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और मोदी जी का विरोध करते करते ये देश और देशवासियों का विरोध करने लगे हैं। गाड़ी तो वही है, पायलट भी बदलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस जनता से दूर जा चुकी है। सपना देखते रहे, सचिन पायलट जिस प्रदेश से आते हैं, पिछली बार उनकी सरकार रही और उनका खाता नहीं खुला लोकसभा में, तो जो राजस्थान में लोकसभा में खाता नहीं खोल पाए वो छत्तीसगढ़ में क्या खाता खोलने की बात करेंगे। कांग्रेस में प्रत्याशी को लेकर के संकट की स्थिति है और प्रत्याशी तो किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन वो देख रहे हैं जीत और हार की स्थिति। तो चाहे पीटे हुए चेहरे हो चाहे नए चेहरे हो, इस बार की लोकसभा के चुनाव में सभी पीटे हुए रहेंगे और उनके खाता नहीं खुलेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शैलजा को हटाकर पार्टी ने पायलट को पार्टी की उड़ान की जिम्मेदारी दे दी है। सिर पर लोकसभा चुनाव है, अब देखना होगा कि पायलट का प्लान 2024 काम करेगा या फिर फेल होगा। इसके लिए इंतजार कीजिए, जनता किसका साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात कोरोना की। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की एंट्री हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की भी एंट्री हो गई है। एम्स की वायरोलॉजी विभाग की रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है। एम्स रायपुर की वायरोलॉजी विभाग की लैब में 40 से ज्यादा मरीजों के सैंपल्स की जांच की गई थी। इसमें 2 दर्जन से अधिक मरीजों में नए वेरिएंट्स मिले हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। इसके साथ ही OPD में जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 18 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। सैंपल्स है जो हमने रेंडमली भेजे थे 48 सैंपल 5 दिसंबर से 11 जनवरी तक के, उसमें
25 ऐसे पाए गए हैं वेरिएंट जो ओमिक्रॉन JN1 के थे, जो लेस वेरुलेंट है और ये कोरोना का ही एक वेरिएंट होता है, जो हमारे अन्य राज्यों में भी है ये वेरिएंट। और इसके लिए शासन ने पूरी सतर्कता और जितने भी कोविड प्रोटोकॉल के रूल्स है वो उसके लिए एक सर्कुलर भी जारी किया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि 24 घंटे में 4,714 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 18 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिविटी दर की बात करें तो 0.38% तक पहुंच गया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोरोना के 112 एक्टिव मरीज हैं, इसमें सबसे अधिक मरीज रायपुर में मिले हैं। रिपोर्ट न्यूज 18। छत्तीसगढ़ में सिविल जज की परीक्षा के परिणाम जारी हो गए और टॉप 10 में 10 लड़कियों ने बाजी मारी, केवल एक लड़के को टॉप 10 में जगह मिली है। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC ने सिविल जज परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। ईशानी अवधिया ने टॉप किया, दूसरे नंबर पर अर्पित गुप्ता है और तीसरे नंबर पर मानसी बिष्ट। टॉप 10 में 9 लड़कियां हैं, इनमें सिर्फ एक लड़के ने ही जगह बनाई है। ईशानी अवधिया ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए अपनी सफलता की कहानी बताई और साथ ही कहा कि वो शुरू से ही जज बनना चाहती थी। कॉलेज के बाद से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी और जज बनना है ये तो मुझे कॉलेज में क्लियर हो गया था, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब से क्लियर था ये माइंड में कि ये गोल है। इसके बाद कॉलेज के बाद से मैंने प्रिपरेशन शुरू की है 2017-18 से। ये रिजल्ट साल 2022 के सिविल जज परीक्षा के लिए जारी हुए हैं और इस परीक्षा के लिए 152 परीक्षार्थियों का इंटरव्यू लिया गया था। इसके बाद 48 पदों पर भर्ती को लेकर अंतिम चयन सूची जारी की गई। टॉप 10 में जिन लड़कियों ने बाजी मारी, इनमें ईशानी अवधिया, अर्पित गुप्ता, मानसी बिष्ट, मुस्कान शर्मा, पारुल साई, हिमांशी शराफ, मिनी ठाकुर, रिद्धि बुरड़, श्रुति साहू और रिया चक्रवर्ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़। सीएम विष्णुदेव साय दुर्ग के दौरे पर रहे और यहां विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। सीएम ने गिरहुला में संत समागम और स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत की और सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में एक महीने BJP सरकार के हुए हैं और इस एक महीने में सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से वादा अपना पूरा किया और 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि हम 5 साल में मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करेंगे और साथ ही सीएम ने यहां ऑडिटोरियम बनाए जाने का भी ऐलान किया। दिसंबर के हमर सरकार के शपथ हुई और 14 दिसंबर के ही पहला कैबिनेट बुला के हमने निर्णय कर लेन कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास आने वाला समय में बने। 15 साल हमर सरकार में जो 2 साल के धान के बोनस नहीं मिले रही से 25 दिसंबर जो छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन होते जोनला पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मना थे, वो दिन पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में जगह जगह कार्यक्रम रख के हमन 12 लाख से ज्यादा किसान मन के खाता में 3716 करोड़ रुपया 2 साल के बोनस के राशि ट्रांसफर कर दे। और मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमन करे हन हमर पार्टी करी से वो सब वादा ला आने वाला 5 साल में पूरा कर सकी।